हेलो गाइज, मैं शैलेंद्र कुमार। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जहां पे प्रेजेंट उस स्थान का नाम है हजारीबाग, धोबिया तालाब झंझरिया पुल के पास। इससे पहले कि हम रांची में रहा करते थे, वहां पे अच्छी खासी रूम थी, अच्छे खासे माहौल थी पढ़ाई की, और वहां पे रहकर पढ़ाई कर रहा हूं। किसी कारणवश हमें हजारीबाग आना पड़ा, और मैं बताना चाहता हूं कि इस रूम से पहले हम लोग हजारीबाग में, जैसे मटवारी हो गया, बाबूगांव, कृष्णापुरी, न्यू कॉलोनी, झंझरिया पुल की तरफ रूम बहुत ही उत्तेजित के साथ जाते थे ढूंढने लगे। तो हजारीबाग में पहली बार इस तरह हो रहा कि रूम कहीं मिल ही नहीं रहा इन सब। इसीलिए दोस्तों हम लोग बहुत ही परेशानी से रूम में झेल रहे रह रहे हैं सनलाइट को लेकर। बाकी हर चीज़ यहाँ व्यवस्था है, इन्वर्टर है, पंखा है, बिजली है। रूम का कंडीशन थोड़ा देखिए, दिखाता हूँ रूम का कंडीशन अपना। मेरा रूम ये हो गया, ये ट्रिपल बेड का रूम है, बट हम लोग दो जन रहते हैं। ये मेरा रूम पार्टनर जो कि पढ़ाई कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में। और ये जैसे कि राशन हो गया, जो हर स्टूडेंट के पास ये प्रेजेंट होता है, राशन हो गया, बर्तन हो गया, खिड़की दिया, जो कि खिड़की कुछ काम का नहीं है। इस खिड़की के लिए नेक्स्ट में बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए आप तब तक। और देखिए ये गेट हो गया, अंदर आने जाने करते हैं। और यहाँ पे एक फैन भी दिया, दिखाता हूँ आपको। फैन ऑन हो गया, फिर बंद करते हैं, फिलहाल वीडियो बना रहे इसीलिए। दोस्तों रूम का लाइट एक बार ऑफ करके अपना रूम के कंडीशन को दिखाना चाहता हूँ। देखिए रूम का लाइट ऑफ करने पर रूम का स्थिति ऐसा हो जाता है जिससे पूरा अंधेरा छा जाता है। जो गांव इलाका में रहता है खंडर ना, खंडर में जैसे हम लोग आ गए। देखिए अभी मजा आएगा ना, नेचुरल लाइट का तो ठिकाना ही नहीं है। ये देखिए लाइट आर्टिफिशियली लाइट है, यहाँ दिखाएंगे। दिन 12 बज रहा है तो देखिएगा सनलाइट का कुछ भी थोड़ा सा भी रे नहीं आता है रूम में, जो कि हम लोग सनलाइट का कुछ बेनिफिट उठा सके। तो देखिए हम लोग का लाइट बंद हो गया और अंधेरा में देखिए रूम कैसा लग रहा है। मेरा पार्टनर पढ़ना चाह रहा है लेकिन देखिए अंधेरा में अभी यहाँ पे सनलाइट का कोई ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों देखिए हम क्या करें, इसके लिए कोई उपाय बताइए। इस तरह के रूम में रहने बाद जो है ना, पढ़ने का मन ही कुछ नहीं करता। पढ़ने बैठते अंधेरा रहने के कारण हमेशा नींद ही नहीं आता, कभी नींद पूरा होता ही नहीं हम लोग का। इसको खोलने पर को चेंजिंग नहीं आता रूम के अंदर। देखिए जो थोड़ा बहुत सनलाइट आता है, जो कि सोने के लिए आरामदायक ही है, बट पढ़ने के लिए जो सनलाइट आना चाहिए वैसा नहीं आता। देखिए अगर बोलते तो आप खिड़की को भी खोल के दिखाते हैं, इधर अलग एक्सचेंज करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। फिर हम लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कि कितना। देखिए लाइट ऑन हुआ तो कुछ थोड़ा लगा कि हाँ रूम में है, बट बिजली के लाइट से हम लोग कितना देर तक रहेंगे, कितना मंथ तक रहेंगे, जब तक सनलाइट नहीं आया रूम तक। इसे काफ़ी महीने से रह रहे हैं यहाँ पे, तो बिजली के लाइट से हम लोग बहुत ही उब चुके हैं। बताइए कि सनलाइट रूम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त हो गया, ये पढ़ाई कर रहा, बट ये भी जो है सो पढ़ते पढ़ते कभी डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि सनलाइट कंपलसरी पढ़ाई के लिए। तो गाइस हम यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कहीं भी रूम लेकर आ रहे, चाहे स्टूडेंट हो या तो कोई भी, सनलाइट रूम में कंपलसरी देखिए, अन्यथा एक मंथ तक झेल सकते हैं, रूम में रह सकते हैं अच्छा से। उसका एक मंथ के बाद आप रूम में हमेशा के लिए बोरिंग ही फील करेंगे, ना कुछ करने मन करेगा, नींद ही नींद आएगा अंधेरा में रूम में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।